हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान सीईटी का जो आपका सेकंड शिफ्ट मतलब इवनिंग में आपका जो पेपर हुआ है उसकी ये डिटेल आंसर की है। 4 फरवरी 2023 को ये आपका पेपर हुआ है। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फॉस्फोरस चक्र की एक कड़ी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किंगफिशर, हमिंग बर्ड, कबूतर या गुआना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुआना। ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान? राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो राजस्थान के कितने जिलों में से मरुस्थलीय जिले हैं? प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जिले डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हैं। ठीक है, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित होते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 20√3 cm² देन इट्स पेरीमीटर इज। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर पूछी गई है। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 को, तो इसका आंसर निकल के आएगा 30 cm। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बताइए दालचीनी प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती है हमें? छाल से मिलेगी, पत्ती से मिलेगी, फूल से मिलेगी या जड़ से मिलेगी? तो प्रश्न नंबर 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, छाल से हमें दालचीनी मिलती है। प्रश्न नंबर 5, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल डेवलप इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डैश में विकसित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात। तो ना ये राजस्थान में करेंगे, ना इसे कर्नाटका में करेंगे, ना इसे गुजरात में करेंगे। इसे कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो रिलायंस इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। आज ये प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। रियूमेटॉइड ऑर्थोराइट्स एक डैश रोग है। ठीक है, तो ये किस पर कौन सा रोग है इसमें पूछा हो गया है? अति संवेदी है, हाइपर सेंसिटिव है, बैक्टीरियल है मतलब जीवाणुओं के द्वारा होता है, कवकीय मतलब फंगल होता है, या फिर स्वय प्रतिरक्षित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वय ऑटो इम्यून है, स्वय प्रतिरक्षित है। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषित शब्द होगा, तो अधीनस्थ होगा, विनीत होगा, वरिष्ठ श्रेणी होगा या फिर सहायक होगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सबऑर्डिनेट होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधीनस्थ। ठीक, आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 देखिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सर्कुलर, बताइए सर्कुलर इनमें से क्या होता है? सूचना, नोटिस, परिक्रमा या परिपत्र। तो प्रश्न नंबर 8 का, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्कुलर को हिंदी में कहा जाता है परिपत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन है। जब आप इसको पूरा log 27x = 1/6 देन x इज इक्वल टू पूछा गया है, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके आंसर क्या निकलेगा? आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में डी निकलेगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। RH फैक्टर इज एन एंटीजन सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ डैश। तो RH फैक्टर जो एंटीजन है, RH कारक एक प्रतिजन है जो डैश की सतह पर स्थित होता है। तो इनमें से किसकी सतह पर RH फैक्टर हमें मिलता है? रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, प्लेटलेट्स में मिलता है, लिम्फोसाइट्स में मिलता है या वाइट ब्लड सेल्स में मिलता है? तो देखिए, ना ये हमें वाइट ब्लड सेल्स में मिलेगा। वाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट होती हैं। ठीक है, ये फाइटिंग एजेंट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में भी नहीं होगा, प्लेटलेट्स में भी नहीं होगा, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमें RH फैक्टर देखने को मिलता है। RH का मतलब है रीसेस मंकी से मिला था ये RH फैक्टर, उसी के नाम पे RH रख दिया था, है ना। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो देखिए बहुव्रीहि समास है, द्विगुण समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारण समास है। तो बहुव्रीहि में हमें या युधिष्ठिर में हमें बहुव्रीहि समास मिलता है। ऑप्शन नंबर मतलब प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक, और यहाँ पर ए था इस वाले का, ये बता ही दिया। प्रश्न नंबर 12, गोल्डन राइस वॉज प्रोड्यूस टू रिड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ डैश अमंग पीपल।
तो देखिए लोगों में किस चीज़ की कमी होने के कारण सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में डैश की कमी को कम करने के लिए किया गया था। तो लोगों में किस चीज़ की कमी देखी गई थी? विटामिन ए की, मैग्नीशियम की, फोलिक एसिड की या विटामिन B12 की? तो देखो राइस के अंदर विटामिन ए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? विटामिन ए। ठीक है, आज एक प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, 23 degrees 03' से लेकर नॉर्थ, 30 degrees 12' साउथ। ठीक है, तो क्या ये साउथ होगा? नहीं, ये दोनों क्या है, राजस्थान का एक्सटेंशन नॉर्थ से नॉर्थ के अंदर ही है। ठीक है, तो अब ये साउथ वाला हटा दो दोनों। अब 23 degrees 33' नॉर्थ से लेकर 30 degrees 12' नॉर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हाउ मेनी मिनिमम मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा आर कंपल्सरी इन अ ईयर? ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या 3, क्या 5, क्या 4 या 2? तो ना 3, ना 5, ना 4, कम से कम 2 मीटिंग होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न 15 देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे दे रखा, सी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। तो देखिए प्रश्न 15 जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा, सी सेड दैट दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड नॉट टू। तो आंसर ए ही ठीक है इसका। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाएगा 16, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1 crore इफ नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ इज 85,000 द बर्थ रेट इज। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 1 crore है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तब जन्म दर क्या होगी? ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 17 करते हैं। वॉट इज नेम्ड एज डांड इन द थार डेजर्ट। ठीक है, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? चंद्राकार बालुका स्तूपों में गर्त, ठीक है, आर्टिशन बेसन कौन से होते हैं जहाँ पर जमीन में से नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है ना, उस शत्रु बेसिन, मरुस्थल में प्लाया या नखलिस्थान। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 क्या आंसर हो जाएगा? मरुस्थल में प्लाया। प्लाया क्या होती हैं? डेजर्ट लेक्स होती हैं ये, जैसे डेजर्ट के अंदर कुछ जैसे मान लीजिए ये कुछ हिस्सा थोड़ा ऐसा है नीचे की तरफ है गहराई में, है ना, तो यहाँ पर क्या पानी जमा हो जाएगा डेजर्ट के अंदर, इसे ही प्लाया लेक्स बोला जाता है डेजर्ट्स के अंदर। ठीक है, पानी जमा होने का, पानी इकट्ठा होने को। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, द मीडियन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। निम्न संचय आवर्ती वर्ग से माध्यमिका प्राप्त करनी है आपको। ठीक है, मार्क्स पूछ रहा है, ये तो नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं और ये आपके प्राप्तांक मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स कितने दे रखे हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, इतने मार्क्स दे रखे हैं। जब आप इनको काटेंगे, मीडियंस के लिए क्या होता है, काटना होता है। अब इन दोनों के 30 + 40 के बीच की वैल्यू जब आप 30 + 40 करेंगे, है ना, 30 + 40 करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 / 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 35 निकल कर आएगा। तो इसका मीडियन मार्क्स कितना होगा, 35 हो जाएगा। 35 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए 19 देखिए, VLOOKUP फंक्शन कार्य करता है। ठीक है, तो ये बताओ वी लुक अप किसके लिए होता है ये फंक्शन कार्य, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया। ठीक है, वह शब्द ढूंढता है जिसमें वी है, दो सेल्स को एकदम समानता के लिए देखता है, नहीं मिलने जुलने वाले रिकॉर्ड ढूंढता है और मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। ठीक है, तो वी लुकअप फंक्शन क्या देखता है, मिलते जुलते रिकॉर्ड्स ढूंढता है। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेमस पेंटर शहाबुद्दीन बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ से है, अलवर से है, ढूंढाड़ से है, मेवाड़ से है? तो बताइए कहाँ से है, ना ये मारवाड़ से है, ना ये अलवर से है, ना ये ढूंढाड़ से है, कहाँ है, मेवाड़ से है,
मेवाड़ से बिलोंग करते हैं शहाबुद्दीन। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज, ठीक है, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक डैश है जल, मृदा, वायु या प्रकाश, बताइए। प्रोडक्शन का पूछ रहा है ये, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के लिए इकोसिस्टम में आपको क्या चाहिए, पानी, लाइट मतलब वाटर का जो इकोसिस्टम है उसमें, या प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। आप भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। बिना लाइट के जल में क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के लाइट की तो जरूरत ही जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आज ही प्रश्न 22 देखते हैं, विथ विच फोक आर्ट जानकी लाल एसोसिएटेड, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित हैं, प्रश्न नंबर 22। ठीक है, फड से, तमाशा से, बहुरूपिया से या नौटंकी से। ठीक, तो बताइए जानकी लाल का संबंध किससे, ना ये फड़ है, ना तमाशा, ना नौटंकी, ये क्या है, बहुरूपिया है। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अब ये 23 देखते हैं, पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ पर ये सारा, ये क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 23 देखें। अब यहाँ पर एक व्यक्ति 10 के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा 11 के 10 पेन की दर से पेन खरीदता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 21%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा 23 का। और ये 24 देखते हैं, देखो 24 प्रश्न क्या कर रहा है, एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से आठवीं है तथा अमन दाईं ओर से सातवां है, जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से ग्यारहवां हो जाता है, तब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बारहवां। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर बारहवां निकल के आ जाएगा, आपको कितना, बारहवीं पोजीशन पे आ जाएगा वो। अब देखिए प्रश्न नंबर 25, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अभी 2022 में ही प्रारंभ करी गई है, परंतु यहाँ आपसे डेट पूछ ली गई है। ठीक है, तो इसकी डेट कौन सी थी, 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ कराई गई थी, और ये डेट हमने बहुत अच्छे से हमारे लेक्चर्स में, जो करंट के हम लेक्चर्स ले रहे थे उनमें, ये राजस्थान करंट्स के टॉपिकों में से वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका मान कितना निकल के आएगा। ठीक है, जब आप इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 879। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मुसीबत के समय उपाय खोजना तथा अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुसीबत के समय उपाय खोजना मतलब जब आग लग चुकी है उसके बाद क्या है, आप कोई सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्य है। ठीक है, तो आपाद मस्तक का एक सार्थक वाक्य बताना है, मस्तक झुकाने वाला, क्षणभर में नष्ट होने वाला, आलोचना के योग्य, या पैर से सिर तक। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैर से सिर तक, अपाद मस्तक मतलब सर से, पैरों से लेके नीचे, पैरों से लेके ऊपर सर तक की बात करी जा रही है। आज ये प्रश्न नंबर 29 पढ़ते हैं, बताइए, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ राजस्थान, तो ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज राजस्थान में से, इनमें से कौन सा राजस्थान इसका फंक्शन नहीं है, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना, ये तो होगा ही। ठीक है, राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में समन्वय कोऑर्डिनेशन बिठाना, राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्र करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना। ठीक है,
और राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना, तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ राजस्थान का क्या ये कर्तव्य होगा क्या वो निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश दे? तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 30 इफ कॉस है ना, ये वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी। आ जाइए 31, एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज, लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31, तो जब आप इसमें लॉजिकल की बात कर रहा है और लॉजिकल के लिए कौन सा था, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, कौन सा था, इफ, ये आपको बहुत अच्छे से कराए थे। आ जाइए प्रश्न नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत मिलाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 32, शाहपुरा रामचरण जी बिल्कुल ठीक है, खेड़पा रामदास जी ये भी ठीक है, सिंघथल हरिवंश जी ये गलत हो गया, रेण दरियाव जी ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का। ठीक है, जो गलत ऑप्शन मिलाया गया। आज ये प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, 33 का क्यूब ऑफ 101 इज, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 101 फिर 101 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1030301, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, करके भी देख सकते हैं, देखो इसको, देखो मैं करके भी बताता हूँ आपको, बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आने चाहिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 101 लिख देंगे, 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगी, 0 0। ठीक है, 0, अब आ जाइए 1 से वापस, तो 101 हो जाएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे 1 0 का 0 2 0 1 है ना, अब इसको 101 से वापस मल्टीप्लाई करें, 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, अब ये सारी संख्या तो सेम आ जाएगी, 10201। ठीक है, अब 0 0 0 0 0 आ जाएगा, और ये जो 1 है वापस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से उल्टा वहाँ से लिखिए 10201। ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 1030301। ठीक है, ये आंसर हो गया 1030301, तो ये दिस इज आंसर, इस तरीके से आप इसके आंसर तक पहुंच जाते, 33 का ए हो जाता। आ जाइए 34 कर लेते हैं, कपिल आम खाता है, ठीक है, वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो कपिल आम खा रहा है तो ये क्या कर्म कर रहा है, कुछ करने का है ना, खाने का, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आ जाइए 35 देखते हैं, किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे डैश दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो कौन से मिरर के सामने आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो अवतल मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कैसे होता है, कॉनकेव इस तरह का मिरर होता है, समतल मतलब प्लेन मिरर, या तो अवतल या उत्तल या उत्तल दर्पण है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज ये 36 कर लेते हैं, चूज द करेक्ट एंटीनम, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो एंटीनम बताना है आपको, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है, और करेक्ट एंटीनम मतलब उसका सिनोनियम और एंटीनम्स होते हैं, तो ये पूछ रहा है अपोजिट, ठीक है, एनकरेज मतलब डिस्करेज, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, अगर आपको इसका मतलब पता होता तो आप इसका आंसर एक सेकंड में कर देते। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, है ना, प्राइवेट इस पर फोकस देना, गवर्नमेंट ने नहीं, प्राइवेट बंदे ने, इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, विक्रांत एस या विक्रम एस, PSLV ये तो क्या करती है, ये हमारे बताओ किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्च करती है इनको, तो ठीक है, और ये विक्रम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विक्रांत एस नहीं है, प्रश्न नंबर 37 का बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 38, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है,
तो काली मिट्टी के बर्तन राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में या जयपुर में? तो प्रश्न नंबर 38 बहुत इजी आंसर है, कहाँ मिलेंगे, कौन सा स्थान फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाई माधोपुर फेमस है 38 के लिए। आ जाओ प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट फिक्स्ड हाइट, एनी हाइट अबव द पोल्स, हाइट विच डिपेंड्स अपॉन इट मास, एनी हाइट। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, एनी हाइट है नहीं क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊपर घूमता है। ठीक है, फिक्स्ड लोकेशन पे घूमता है, फिक्स्ड हाइट हो गई। एनी हाइट अबव द पोल्स, इक्वेटर से ऊपर घूमता है। ठीक है, इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाता है तो पोल्स, इसलिए गलत हो जाएगा। हाइट विच डिपेंड्स ऑन इट मार्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 39 का ए। ये हमने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कराया है, जिन्होंने देखा होगा उनको आंसर सही हो जा रहे होंगे। हु इज ऑथर ऑफ द अमर काव्य वंशावली? ठीक है, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, रणछोर भट्ट, जीवधर। ठीक है, तो अब ये क्या भट्ट भट्ट है, तो ये तो वैसे ही बैठा लो, सदाशिव भट्ट है नहीं, जगजीवन भट्ट है नहीं, बचे कौन से, सी ऑप्शन नंबर सी, रणछोर भट्ट ने लिखी है अमर काव्य वंशावली। ठीक है, किशन भगवान का एक नाम है रणछोर, ठीक है आपको पता होगा, तो उन्हीं के नाम से आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते थे कि जो किशन भगवान है उनके नाम से एक बंदा है रणछोर, जिसने क्या करा था, अमर काव्य, किशन भगवान अमर हैं तो उनके नाम पर अमर काव्य वंशावली एक ग्रंथ लिख दिया। इस तरीके से एक ट्रिक बना लेते हैं, आपको हमेशा याद रहता। आज 41 का देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित, किसी विधानमंडल होता है जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ऐसे लोकसभा राज्यसभा होता है तो उन कंबाइंडली उसको बोला जाता है। ठीक है, द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल वो प्रेसिडेंट के उसके लिए, ठीक है, अप्रूवल के लिए ये क्या है, रिजर्व करके बिल रख सकता है, गवर्नर के पास पावर होती है। तो कौन से आर्टिकल से पावर मिलती है, आर्टिकल 200 से पावर मिलती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक दो बार पढ़ा होता तो अच्छे से कर जाते हैं। आ जाइए यहाँ पर, पार्टीशन इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज बॉडीज वॉज रिकमेंडेड बाय, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, किसने की थी बताइए, अशोक मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने, सदाशिव अली समिति ने और संतनाम समिति ने। ठीक है, तो संतनाम कमेटी क्या लेकर आए थे, हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ठीक है, तो बताइए, विक्रम साराभाई को बोला जाता है फादर, है ना, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है, फादर ऑफ द इंडियाज स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ये तो बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। आ जाओ देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, जीरो आर पर, जीरो आर इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, नहीं, किसी विधेयक पर चर्चा के दो चरणों के बीच अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, ठीक है, चर्चा के लिए आवंटित समय, बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशेष समय, प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। तो इसी को क्या बोला गया है, जीरो आर्स बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। आ जाइए 45 देखते हैं, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से ही पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है, है ना, व्हेन इन द सिस्टम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट्स आर नोन विद सर्टेनली,
सच सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, डेटर्मिनिस्टिक बोलेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोला जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नियतात्मक, मतलब डेटर्मिनिस्टिक। पहले से ही पता है ना, इसमें पहले से ही बता दिया, व्हेन इन अ सिस्टम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट्स आर नोन विद सर्टेनली, तो ये होगा डेटर्मिनिस्टिक, पहले से ही पता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा 46 का। आ जाइए, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेगी, सिस्टम एनालिसिस, कोडिंग, मेंटेनेंस और सिस्टम डिज़ाइन। ठीक, तो बताओ क्या करेगी। डैश एक कार्य को, इनमें से एक कार्य है, आदेशों की श्रृंखला है, एक बार आपने आदेश दे दिया तो वो आदेशों की श्रृंखला हो जाएगी, अपने आप उसको क्या करते रहेगा, अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेगी, तो इसे क्या बोला जाएगा, कोडिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोडिंग बोला जाता है। अजय प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। वॉट इज फंक्शन ऑफ रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का कार्य क्या है। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है, नाम पढ़ेंगे दो तीन बार तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का कार्य क्या है, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, शिक्षा संस्थाओं का विकास करना, गाँव में बिजली उपलब्ध कराना या कृषि का विकास करना। ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि, तो गैर कृषि क्षेत्रों का विकास करना होगा रूडा का काम। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। देखिए 49, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अपचयन, विरंजन, अधिशोषण और ऑक्सीकरण। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करना मतलब सूखना, अधिशोषण करना, 48 का बी। अजय 49 देखते हैं। देखिए 49 है प्रश्न आपके सामने एवरेज का, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। देखो, आठ क्रमगत पूर्णांकों का औसत 223/2 है, प्रथम तीन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो बी निकल कर आएगा, मतलब 9। ठीक है, 49 का। अजय 50 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, मोसर, जडूला, सामेला और बिंदोली। बिंदोली शादी के समय होता है, मोसर कब होता है, मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है। ठीक है, जडूला और सामेला, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, जडूला। ठीक है, संस्कार किससे, जन्म से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड संस्कार कौन सा है, जडूला है। आ जाइए प्रश्न नंबर 51, इसका जब सॉल्व करेंगे आप इसको आंसर, तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली फॉर ओड वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, एन के केवल विषम मानों के लिए। ठीक, ये हिंदी में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 52, चंबल प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट ऑफ, बताइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा। अब जो चंबल है जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट स्टेट है ना, प्रोजेक्ट किसका है, जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट, किस किस का जॉइंट वेंचर है इसमें चंबल में, तो 52 का आंसर हो जाएगा राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, हालांकि जो चंबल नदी है वो कहाँ से हो के गुजर रही है, वो हो के गुजरती है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान है ना, उत्तर प्रदेश, सभी को इनको बेनिफिट मिलता है इसमें। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही टुक एजेस डैश द जॉब। ठीक है, तो अब इसमें 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर आएगा निकल कर, ही टुक एजेस ओवर द जॉब। ठीक है, डी। आ जाइए 54 करते हैं, व्हेन डिड चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ऑन 16 नवंबर 2022 को, कहाँ इन्होंने 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीमराव अंबेडकर विधि मतलब लॉ विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, जोधपुर में, किशनगढ़ में, बगरू में और अलवर में। ठीक है, तो आप भी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बगरू में, ठीक है। 55, एक धनराशि चक्रवर्ती व्यास से 15 वर्षों में दुगनी है ना, डबल हो जाती है, कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, ये बताना है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 वर्षों में, ठीक है। और जो ये 56 देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, कौन, जिसका, कोई, हम होगा ए, 56 का ए। और जो ये 57 करते हैं, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है, जल की अविवेकपूर्ण उपयोग करना, भूमि का कटाव, अनियमित वर्षा और वनों की कटाई, ठीक है। बार बार अकाल व सूखा होने का मेन कारण क्या है, जब धरती पे पानी नहीं रहेगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे बरसात नहीं होगी, तो इनमें से बताइए क्या होगा। जल का अविवेक उपयोग, ये देखो अकाल आने के लिए और सूखा होने के लिए सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो वनों की कटाई सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, जंगल साफ हो रहे हैं, इस वजह से ज़मीन में पानी रुक नहीं रहा, ठीक है, और वो ऊपर भी नहीं जाता, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 58, क्योंकि अविवेक तौर पर तो कुछ ही लोग इस्तेमाल वो करेंगे ना, जो बहुत बड़ा मतलब जो लार्ज इफेक्ट करता है ना, उस तरह का आंसर देखना होता है, ठीक है। आ जाइए 58 करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई इज यूज्ड, क्लोज ए डॉक्यूमेंट, रीडू और रिपीट लास्ट एक्शन, ठीक है, तो यही आंसर है इसका, बी। आगे क्या बताएं, ये है ही नहीं, ठीक है। अंतिम क्रिया को रिपीट या रीड्यू करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया था, अगर आपने बहुत अच्छे से लेक्चर सुने होंगे कंप्यूटर के तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक इम्पेशलिटी सैनिलिटी सुपर एन्यूएशन या डोटेज, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बी, सैनिलिटी, ठीक है। 59 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुपर एन्यूएशन मतलब रिटायर हो जाना, रिटायरमेंट की एज आ जाना। आ जाइए 59 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए 60 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नीशियस रॉक्स आर फाउंड इन जालौर, जालौर में इनमें से कौन सा इग्नीशियस रॉक्स कौन सा होता है, अग्नि चट्टानों को इग्नीशियस रॉक्स बोला जाता है, जालौर में पाई जाती हैं, ग्रेबो, ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट, ठीक है। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा मिलता है जालौर में इनमें से पत्थर, ठीक है, इग्नीशियस टाइप का पत्थर। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, देखो एक तो सेकेंड ग्रेनाइट तो हमें जालौर में ही मिलता है, ठीक है, और रायोलाइट भी हमें वहीं से मिलता है, बेसाल्टिक और ये नहीं मिलते यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड राइट आंसर, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेंडर शुड बी रिटर्न इन ए लैंग्वेज दैट इज, ठीक है, इनफॉर्मल स्टाइलिश ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एन ए राउंड अबाउट ए लेंदी, ठीक है, तो क्या बहुत ज़्यादा लेंदी लिखेंगे, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट लिखेंगे, स्टाइलिश लिखेंगे या इनफॉर्मल लिखेंगे, जैसे आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए, चलो बताओ आप इसका आंसर, ठीक है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उस तरीके से, ठीक है। आ जाइए 62 का, शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, 62 प्रश्न नंबर 62 का, कोते औदार्य गुरुता या ऐश्वर्य, तो देखिए गुरुता शुद्ध है। 63 पे आ जाइए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है क्या कहलाएगी, अपचयन, निस्तापन, प्रगलन और भर्जन, ठीक है, तो बताइए 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस्तापन, ठीक है, कैल्सीनेशन। अभी 64 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर इन बायोटेक्नोलॉजी,
पॉलीमरेज मतलब पॉलीमरेज वही है, हाइड्रोलेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या डीएनए लाइगेज, बताइए आणविक कैची किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या बोलता है, आणविक कैची बोला जाता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज अवॉर्डेड बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवॉर्ड 2022, बताइए निम्नलिखित किलो में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडियन सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। हवा महल को, कुंभलगढ़ को, रणथंबोर को या जयगढ़ को। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़। अजय 66 देखते हैं। 2024 समर ओलंपिक है ना, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, 2024 की बात कर रहा है, पेरिस, कतर, मॉस्को या फिर टोक्यो। टोक्यो में तो अभी हुए थे तो ये तो नहीं करेगा वापस से, ठीक है। तो 66 का कौन कौन करेगा, पेरिस में होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए, पेरिस में चले जाएंगे, यहाँ से फ्रांस पेरिस चले जाएंगे जापान से, ठीक है। अदर 67 में देखते हैं। द बैक्टीरिया ई कोलाई रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया आर, ठीक है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम न्यूट्रल, नॉन इन्वेसिव, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम ऋणात्मक, वही सारी चीज़ें हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। आ जाइए 68 देखते हैं। द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग टू अ लेसर हिमालय इज, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो बताइए निम्न हिमालय से संबंधित कौन सी श्रृंखला है, इनमें से धौलाधर है, महाभारत रेंज, पीर पंजाल या दिए गए सभी विकल्प। तो 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प मतलब ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है, ये सारे क्या हैं, लेसर हिमालय से बिलोंग करती हैं सारी चीज़ें। 69 आ जाइए। अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी श्रृंखला जोड़ी जाए ताकि अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब बताना है इसमें से तो क्या जोड़ेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप एक जोड़ेंगे तो ये 5:6 में बदल जाएगा, ठीक है। 4:5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, 5:6 में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। 4/5 है, प्लस एक करें, प्लस एक करें, इक्वल टू 5:6 ही आएगा, देख लीजिए। ये 4+1 5 हो जाएगा, 5+1 6 हो जाएगा। तो बस सिंपल से आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको बस ऐसा घबराना नहीं होता, मैथ्स के क्वेश्चन सोच के छोड़ नहीं देना होता, ठीक है। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, तो कौन से में नहीं है, गौरव लाघव इसी में नहीं लग रहा, आदि प्रारंभ है, तमीर प्रकाश, ए हो जाएगा इसका आंसर, 70 का ए, गौरव लाघव नहीं होगा, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा, यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज है, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आइसोसेलेस, ठीक है, समद्विबाहु, 71 का बी हो जाएगा। 72 आ जाइए। निम्नांकित में से किसे सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, इनमें से बताइए, परिपत्र को, अनुस्मारक को, अधिसूचना को या निविदा को, ठीक है। ऑफिशियल गजट में हम क्या निविदा करेंगे, नहीं, अनुस्मारक करेंगे, परिपत्र नहीं, अधिसूचना करेंगे, ठीक है। 72 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 73, विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। यहाँ पे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों दिया है और बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, और ये सेम क्वेश्चन RS-PRI में से उठाया गया है, ठीक है। तो एक किसी ईयर में आया था RS-PRI में, वहाँ से पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। और जो CET का मॉर्निंग का पेपर आया था उसमें भी ये सेम प्रश्न वहाँ पूछा गया था। अजी प्रश्न नंबर 74 करते हैं। डायमंड इज अ, बताइए डायमंड क्या है, आइसोमर ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, आइसो कार्बन का सम आयतिक, ठीक है, आइसोचोर ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो ये क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। 74 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कार्बन का अप्रूप होता है। अरे ये 75 करते हैं। 75 क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 75 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 4, ठीक है, 4 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 76 बाद में करते हैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है इसमें, अच्छा ये 77 करते हैं। जब तक
प्रश्न नंबर 77, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, क्या देता है बताइए? LiO और CO2, Li और CO2, LiCCO2, Li2O और CO2। तो क्या लिथियम कार्बोनेट गिव्स ऑन हीटिंग, जब गर्म करेंगे लिथियम कार्बोनेट को तो क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए, LiO और CO2। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए 78 करते हैं। गो थ्रू द फॉलोइंग पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जब आप ये क्वेश्चन पोयम पढ़ेंगे, ओ रोज, दो आर्ट से, द इनविजिबल वॉर्म, द फ्लाइज इन द नाइट, इन द होलोइंग स्ट्रोम, हैज फाउंड आउट द बेड ऑफ क्रिसमस, क्रिमसन जॉय एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, डज द लाइफ डिस्ट्रॉय। ठीक है, वॉट डज द वॉर्म सिम्बोलाइज हियर, है ना, वॉर्म करना, लाइफ एंड ब्यूटी, होलोइंग स्ट्रोम, डेथ एंड डिके एंड सीक्रेट लव। तो 78 का हो जाएगा, ये वॉर्म बता रहा है, इनविजिबल वॉर्म, डेथ एंड डिके, ठीक है, जो आपको नहीं दिखाई देता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। द ऑर्नामेंट बाजू बंद इज वॉर्न बाय, ठीक है, बाजू बंद है तो बाजू में ही बांधा जाएगा यार, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 79 का ए। इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे तो फिर यार बच्चों के तो बल्ले बल्ले। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 का देखते हैं। 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, नावों के मध्य दूरी क्या है यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में हैं? तो प्रश्न नंबर 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100√3 मीटर। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा 80 का। आ जाइए 81। फल्कूबाई ऑफ किशनगढ़ इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? किशनगढ़ की फल्कूबाई किस नृत्य से संबंधित है? 13 ताली से, चरी से, कालबेलिया से और चक्री नृत्य से। तो इनका संबंध है चरी नृत्य से। फल्कू है फल्की, हल्की ऐसे कर लीजिए, और चरी हल्की लेके चली। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप नाम रखेंगे, फल्कू हल्की, चरी लेके चली, ऐसे फल्की हल्कू, है ना, ऐसे ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करते हैं तो याद रह जाती हैं। आ जाइए, फिर कन्फ्यूज़न भी नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय, है ना, इनपुट को आउटपुट में कौन परफॉर्म मतलब करता है, कन्वर्ट करता है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो UPS, CPU, द इनपुट आउटपुट यूनिट और पेरिफेरल्स। ठीक है, तो देखिए ये करेगा CPU, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी का कार्य होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर 83। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया 68th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड? भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई थी? ठीक है, तो बताओ, केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ये कहाँ करी गई थी? केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 का। अजय 84। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, अशोक चक्र, पद्म विभूषण और परमवीर चक्र। तो किस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑन मार्च 2022 योगी आदित्यनाथ हैज़ बीन शोन एज इन एज द चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश फॉर सेकेंड स्ट्रेट टर्म, ही इज द डैश CM ऑफ स्टेट। ये बताओ कौन से नंबर के UP के CM बने? 85 का क्या हो जाएगा? ये 33rd नंबर के CM बने दोबारा से। ठीक है, पिछली बार 32 नंबर के बने थे, इस बार 33rd नंबर के बन गए। 85 का क्या हो जाएगा आंसर? नंबर ए। आ जाओ यहाँ पर 86 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये फिगर है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। इस फिगर में देखो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोण है, फिर 6 से इस फिगर में कितने 5 कोण रह गए। ठीक है, और यहाँ पे 0 कितने बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखें तो 0 बढ़ रहे हैं और फिगर कोण ये कम होते जा रहे हैं। अब बताइए ये जो नेक्स्ट है, एक सेकंड में चार्ज में लगा लेता हूँ मेरा फ़ोन, ये चार्ज में थोड़ा सा बैटरी डाउन हो जाएगी वरना। ठीक है, अब देखिए जो ये फिगर 3rd है इसमें क्या होगा, 4 कोण रह गए और वापस से 0, 1 रह गया।
तो अब नेक्स्ट फिगर आएगा तो इसमें क्या होगा, अगर जीरो यहाँ अंदर आ गया तो जीरो बाहर जाएगा, ठीक है, दो जीरो हो जाएंगे और यहाँ पर तीन फिगर रह जाएंगे, एक दो तीन, ठीक है, चार से तीन और यहाँ पे दो, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 86 का ए। आ जाइए 87, द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ राजस्थान वॉज, पहले लोकायुक्त कौन थे राजस्थान के, ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, आई डी दुआ। आ जाइए 88, प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से, तो बताइए नॉमिनेट करते हैं क्या इनको, या अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट इलेक्शंस, प्रश्न नंबर 88 देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव या नॉमिनेशन से, विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें कौन सा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, जिसे विधानसभा बोला जाता है। आ जाइए द डिफरेंस बिटवीन सुगर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज, ठीक है, आरएनए इज, तो 89 का चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 3C, तो यही आंसर है इसका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा ये, ठीक है, ए हो जाएगा 89 का ए। आ जाइए 90, 16 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको पाई बोला जाता है। आ जाइए 91 देखते हैं, देखिए 91 मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी पे पहुँचेंगे, 1800 रुपये पे, ठीक है। आ जाइए 92, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन MS Excel, शेषफल, है ना, शेषफल मतलब जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है ज्ञात करने के लिए MS Excel में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं, तो बताइए ये फंक्शन आपको बहुत अच्छे से कराए थे अपन ने, बताया था मोड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसका इसको इस फंक्शन का प्रयोग करके आप क्या है रिमाइंडर तक पहुँच जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे फंक्शंस और ये डिटेल में एक एक चीज़ बताई गई है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 93, कुछ एकाध क्वेश्चन कोई घुमा दिया हो तो घुमा दिया हो, वरना ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू, ठीक है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, वो सेम क्वेश्चन मॉर्निंग वाले सेशन में भी पूछा गया था, ठीक है, तो स्लाइड व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, गलत पूछा, नॉट वन पूछा है, तो नॉट वन बी, 93 का ऑप्शन नंबर बी। और ये 94, बाय विच अदर नेम, ठीक है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस और नाम से जाना जाएगा, तो महाकाली, अवरी माता, त्रिपुरी सुंदरी या फिर गज लक्ष्मी, तो इनको जाना जाता है तरताई माता को त्रिपुरी सुंदरी नाम से, ठीक है। प्रश्न नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, सर्कल, ट्रायंगल, कोन और स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए सर्कल किस तरीके का होता है, सर्कल इस तरीके का गोल होता है, इसमें कोई कोण नहीं है, ट्रायंगल में आप ये देखेंगे ये आपके सामने ट्रायंगल हो गया, इसमें कोण होता है, ठीक है, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अब जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, इसमें भी आपको एक तरफ कोना दिखाई दे रहा है, ठीक है, पॉइंटेड, पॉइंटेड की बात कर रहे हैं, शंकु, शंकु में भी एक पॉइंट होता है, ठीक है, तो इन समय तो हमें एक एक पॉइंट मिल रहा है पर सर्कल में कोई पॉइंट नहीं है, तो यही मेरे हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए 96 देखते हैं, आप भी इनके आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वीडियो को पोज करके, क्योंकि आपका भी तो यार बनता है हक थोड़ा सा आंसर देने का, ठीक है, आप क्या है अगर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आंसर वीडियो को पोस्ट करके, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे सीरियसली ले रहे हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है, धोखड़ा, खेर, सालर या सागवान, बताइए गोंद का कौन सा, कौन सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन से वृक्ष का, 96 का क्या हो जाएगा आंसर, खेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, खेर का गोंद सबसे अच्छा माना जाता है राजस्थान में। आ जाइए यहाँ पर 97, ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पर देख ये दे रखा है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे BaCl2, ठीक है, Na2SO4, BaSO4 और 2NaCl,
तो अब ये पूछ रहा है ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या ये, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप यहाँ देख रहे हैं BaCl2, ठीक है, इसमें देखिए, फिर ये Na2SO4 है। अब यहाँ पे देखिए Na2 तो हट गया और SO4 यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेस हो गई ना पोजीशन, SO4 इसमें से निकलकर उसमें चली गई। तो इसका आपने कभी पढ़ा नहीं हो तब भी इसका आंसर आप करके आ सकते थे, क्या है इसमें SO4 और Na, देखो SO4 यहाँ आ गया, ये SO4 आखिर का यहाँ पर आ गया, और जो Na2Cl है Na2 के साथ में Cl इसका लग गया, तो इन्होंने क्या होगा डबल डिस्प्लेस कर ली दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। कुछ इस तरीके से समझ के करेंगे एग्जाम में तो कभी गलत नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ पढ़ी हुई हो ये कोई ज़रूरी नहीं, अपनी कंसाइज से भी उसके आंसर तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, आ जाइए 98। द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर इन ए कम्युनिकेशन चैनल, बताइए जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट कहलाती है, क्या कहलाएगी, जब आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, है ना। 98 का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर रेट पूछ रहा है आपसे, तो 98 का आंसर हो जाएगा बिट रेट, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नैनो रेट नहीं होगा, बाउंड रेट नहीं होगा, पिक्सल नहीं होगा, आंसर आ जाइए यहाँ पर 99। देखते हैं प्रश्न नंबर 99, विच इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ द जयपुर घराना, जयपुर घराना के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, 99 का क्या हो जाएगा, देखिए भरतनाट्यम साउथ में होता है, कथकली ये भी ओडिसी उड़ीसा की तरफ, तो कथक क्या है यहाँ के फेमस है, जयपुर घराने का फेमस डांस कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 100, गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है गुंडी नेशनल पार्क उद्यान, है ना, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, या बेंगलोर में। अब जी गुंडी इस तरह का नाम है, नाम तो पढ़ के सोचें ये किधर होगा, कोलकाता, मुंबई, मुंबई की तरफ तो नहीं होगा सकता। ठीक है, तो कहाँ हो सकता है ये, साउथ में, ये चेन्नई में मिलेगा। ठीक है, हालांकि काफ़ी नाम आसपास के ही हैं उधर के, पर आप साउथ में ले जाइए इसको, बी चेन्नई। अब देखिए द बर्थ प्लेस ऑफ गोगा जी इज, गोगा जी का जन्म स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है, कोलायर, मल्लानी और कोलू, द द्रेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाओ 102 देखो, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, 102 है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अपन ने बहुत अच्छे से करा था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब ये पढ़े थे, तो उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड अर्लियर बिफोर द कॉम्पिटिशन ऑफ देयर टेन्योर बाय, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, होली, मित्रता, हिमालय या गाय, तो प्रश्न नंबर 104 मित्रता में भाव नज़र आ रहा है हमें, होली में हिमालय और गाय में भाव नज़र नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, ठीक है, तो औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं, बिल्कुल सही ट्रांसलेट हो रहा है, औरतों को पुरुषों के मुकाबले, नहीं 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 नहीं, ये भी पुरुषों को महिलाओं से पहले नहीं, पुरुष औरतों से जल्दी, भाई पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के पानीकर, वी पटेल, फजल अली और एच कंजरू, तो देखिए के एम पानीकर और एच एन कंजरू तो मेंबर थे और फजल अली कमीशन था। ठीक है, तो 106 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फजल अली कमीशन था, स्टेट चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन के और इनके मेंबर्स थे ये पानीकर और कंजरू। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर 107 देखते हैं,
हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। देखो धौलागिरी, नंदा देवी, नागा पर्वत और महाकालू, ठीक है। तो जो हिमालय की तीसरी हाईएस्ट चोटी है, ये ऑप्शन ही गलत रखें, थर्ड हाईएस्ट चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, हिमालय की जो थर्ड हाईएस्ट चोटी है कंचनजंगा है, ये ऑप्शन गलत है इसमें, प्रश्न नंबर 107 में। आज ये प्रश्न नंबर 108 करते हैं। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम इन द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म, ब्लू, रेड, ग्रीन या वायलेट, बताइए। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा, तो कौन सा अधिकतम विचलित होता है, वायलेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए प्रश्न नंबर 109 करते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रेणियों में अलग अक्षर कौन सा आना चाहिए, तो जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, KLJMINHOGP, तो इसमें आंसर निकल कर आएगा F, ठीक है, ये सबसे अलग अक्षर आएगा इसका। 100 प्रश्न नंबर 9 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 110। विच स्टेट सेंट मिलिट्री हेल्प फॉर द असिस्टेंस ऑफ द महाराव ऑफ कोटा इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, तो कोटा की सहायता भेजी थी करौली ने, किसने भेजी थी, करौली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 110 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 111, फैटी लीवर इज प्रेजेंट इन, तो फैटी लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वाशी योरकर में, स्कर्वी में, मरास्मस में या प्लेग्रा में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वापस क्लियर कर देता हूँ। क्वाशी योरकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्वाशी योरकर में फैटी लीवर प्रेजेंट होता है, 111, ठीक है। प्रश्न नंबर 112, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट स्टूड फुट फर्स्ट रनर अप इन द फेमिना मिस इंडिया 2022 कॉम्पिटिशन, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही, ठीक है, तो 112 में कौन रही थी, रुबेला शेखावत, आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 113 करते हैं। शिवालिक ढाल के समांतर नदियां द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, तराई, भाकर, कांकर या भाबर, तो ये किस नाम से जानी जाती है, संकरी पट्टी भाबर नाम से जानी जाती है। आज ये प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया, तो प्रश्न नंबर 114 का आंसर हो जाएगा ए, चिरंजीवी को, ठीक है, किसको किया गया था, चिरंजीवी को किया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 115, अंडर मनरेगा मिनिमम डेज एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो कितने दिनों का, कम से कम 100 दिनों का दिया जाता है, और राजस्थान में कितना दिया जाता है, राजस्थान में 125 दिनों का दिया जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, द बेनिफिशियरी ग्रुप ऑफ राजस्थान शुभ शक्ति योजना इज़, ठीक है, शुभ शक्ति किसे, शक्ति तो वुमेन से रिलेटेड होती है, ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इस हिसाब से भी आप पहुंच सकते हैं। अब महिला व्यापारी, थोड़ा ऐसा अटपटा सा लगता है, शुभ शक्ति योजना किसके लिए होगा, श्रमिक परिवार की लड़कियों व महिलाओं के लिए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 बाद में करते हैं, आ जाइए यहाँ प्रश्न नंबर 118 देखते हैं। हाउ मच परसेंटेज इज 200 ml ऑफ 1 लीटर, ठीक है, तो 200 ml 1 लीटर में कितना परसेंटेज होगा बताऊँ, ऐसे ही लिखिए, 200 ÷ 1000 × 100, ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए, तो कितना 20% होगा, आंसर सीधा सीधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 118 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवने, वर्षा का समान वितरण और तापमान,
ठीक है। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन रीट में पूछा गया था, है ना, सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम पूछा गया था, रीट में भी आया था इस तरीके का, तो ये वहीं से सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये हमने अपने डिटेल सॉल्यूशन में बताया था उस समय भी कि वर्षा का समान वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्रश्न नंबर 120 का, अब देखिए, एक 14 वर्ष की विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाती है, विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है, इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा, ठीक है। तो देखिए उसे क्या हो रहा है, मायोपिया, ठीक है, और किससे करेक्ट किया जाएगा, कॉनकेव लेंस से, ये वाला लेंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उसको कौन सी बीमारी हो रखी है, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, इसी से ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है, कॉनकेव लेंस से किया जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 121 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फैक्ट्री ऑफ हैवल्स इंडिया इज लोकेटेड, ठीक है, राजस्थान के किस जिले में हैवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है। तो देखो आपको इस तरह के प्रश्न भी पता होने चाहिए, तो अजमेर में है, जयपुर में है, कोटा में है, अलवर में है, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री तो कहाँ डेवलप हो रही है, वैसे भी अलवर वाले रीजन में हो रही है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। हैवल्स इंडिया कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक हब्स कहाँ बनता जा रहा है, अलवर की तरफ बनता जा रहा है। आ जाइए अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 122, देखो नेहा वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट फ्रॉम हर स्कूल, यहाँ पर हम स्कूल की लोकेशन बना देंगे, यस लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से चलिए 5 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, इसने यहाँ से राइट की तरफ टर्न ले लिया, ये किधर हो गया वेस्ट, ये किधर हो गया ईस्ट, ठीक है, ये किधर हो गया नॉर्थ, और ये किधर हो गया साउथ, ठीक है, इस तरीके से देखें। अब ये 4 किलोमीटर चली ऊपर की तरफ राइट मुड़कर, अब उसके बाद उसने क्या किया, अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ से इसने वापस से टर्न ले लिया, 5 किलोमीटर चली स्कूल के जस्ट ऊपर आ गई 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये पूछा, डायरेक्शन सी इज गोइंग, है ना, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ये रहा ईस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 123, स्ट्रक्चर ऑफ XeF+5Ir इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिकोणीय दी पिरेमिडिये, ठीक है, ये आंसर कर लीजिए। 124 का जगह, 1857 के विद्रोह के समय भीम जी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी, तो ये किसने दी थी, जोध सिंह ने दी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 124 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 125 करते हैं, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, बताइए, तो ये कहाँ है, नीमराणा में, ठीक है, बी। प्रश्न नंबर 126, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अचलगढ़, बताइए, माउंट आबू में, अजमेर में, अलवर में, जयपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 127, द एक्सकेवेशन वर्क ऑफ अहर्ड वॉज एकम्प्लिश्ड अंडर हुज लीडरशिप, है ना, अहर्ड का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया था, तो बताइए, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, VS वांकर, HD सांखलिया, BB लाल और VN मिश्रा, ठीक है। आपको जब अहड़ सिविलाइजेशन पढ़ाई थी तो वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, VN मिश्रा के नेतृत्व में। आज ये प्रश्न नंबर 128 देखते हैं, अ पेयर ऑफ जीन्स वॉज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टर्म्ड एज, प्रश्न नंबर 128 का क्या होगा, देखिए इसका होगा LE, ठीक है, LL, 128 का सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 129, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द मेवाड़ प्रजामंडल फाउंडेड इन 1938, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। एक प्रश्न नंबर 130, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, किससे होगा, तो ये होता है सब इंस्क्रिप्शन से, सिग्नेचर करते हैं उसके नीचे आप लिखते हैं योर सिंसियरली, तो उसे क्या बोला जाता है, सब इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। आ जाइए प्रश्न नंबर 131 देखते हैं, प्रतिहार शासक डैश के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलमाला की रचना हुई थी, ठीक है, तो किसके शासनकाल में हुई थी, ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 131, तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सराज, डी, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 132, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है, ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 132 आठ क्षेत्रों में की जा रही है, ठीक है ए। प्रश्न नंबर 133 माही कंचन और माही धावल आर द वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप, है ना 133। तो देखिए ये क्या है, माही माही माँ से माही माँ से मेज, ऐसे करके याद करवाई थी आपको एग्रीकल्चर जब पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 133 का बी। और ये प्रश्न नंबर 134 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है, तो ये कहाँ करी जा रही है, ये सीकर में करी जा रही है, ठीक है। महाराव शेखाजी शिखर, ठीक है। आप एक दो बार नाम भी ऐसे याद करते तो आपको ये नाम याद रहता, ठीक है। 134 का क्या हो जाएगा बी। आ जाइए 135, द टाइम इज टेक अ डिवाइस टू लोकेट डेट एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल टू सीपीयू इज नोन एज, ठीक है। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है, है ना। तो ये क्या कहलाता है, सिंपल सा है बिल्कुल, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस टाइम बोला जाता है उसको, ठीक है। क्या बोला जाता है, एक्सेस टाइम। आ जाइए, कितनी देर ले रहा है डेटा को पढ़ने में, उसे एक्सेस टाइम बोला जाता है। इन विच सिटी इन्वेस्ट राजस्थान समिट वॉज ऑर्गेनाइज 7 अक्टूबर 2022, 7 से 8 अक्टूबर में कौन से शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था, तो कौन से शहर में किया गया था बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में किया गया था इन्वेस्ट राजस्थान समिट। प्रश्न नंबर 137, इन विच मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द पेडियाट्रिक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विल बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो बताइए, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, JK लोन हॉस्पिटल कोटा, JLN मीडिया मेडिकल कॉलेज अजमेर और SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। तो प्रश्न नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर, ठीक है। और जाइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो बताइए प्रश्न नंबर 138 में कितने किए जाते हैं, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 पार्ट मनोनीत नॉमिनेटेड किया जाता है, ठीक है। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है, तो किस में है, तो प्रश्न नंबर बी योगी राज में, ठीक है। समाज संबंधी अशुद्धि यहाँ दे रखिए, प्रश्न ऑप्शन नंबर बी 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 140 करते हैं, 56 प्लेन इज सिचुएटेड इन बिटवीन, 56 के मैदान कहाँ स्थित है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच स्थित है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन, एवरी वन कॉल हिम अ पीस मेकर, ठीक है। तो पैसिव में बदलेंगे जब, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आ जाइए, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो क्या होगा, अनु प्लस एषण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी। प्रश्न नंबर 143, द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द रिवर कौन सी, ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। रिवराइन आइलैंड का नाम क्या है, मजूली ऐसे कुछ करके नाम है उसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए यहाँ पर 144, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट डिटरमिनर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। एनी पेन विल डू, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज बीइंग सेटअप इन, तो ये कहाँ पर सेटअप किया गया, हरप्पन सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है कहाँ पर, राखगढ़ी में, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, राखगढ़ी। अजय प्रश्न नंबर 140, कैलाश शांकला वॉज एसोसिएटेड विद द इन्हें टाइगर मैन ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, ठीक है, टाइगर मैन, क्योंकि इन्होंने टाइगर्स को बचाने के लिए बहुत काम किए हैं, तो टाइगर कंजर्वेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। अजय प्रश्न नंबर 147 देखते हैं, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित रिट याचिका पेश कर सकते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में की जा सकती है, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, विच इज़ द रैंक ऑफ राजस्थान इन इंडिया इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 2011, तो कौन सी रैंक थी राजस्थान की, 8th नंबर की रैंक थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 148 का। प्रश्न नंबर 149, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर डी, पेन ही स्विच ऑफ हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 150, द लेंस फॉर्मूला इन कैरेटेशियन, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज,
तो इसका आंसर क्या निकलेगा प्रश्न नंबर 150 का, ऑप्शन नंबर डी निकलेगा, ठीक है। वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस का वन अपॉन वी, डी आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए 150 क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग आपके इसमें से देखो तीन चार क्वेश्चन रहेगा, तो उनके आंसर आपको बाद में कमेंट सेक्शन में बता दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा जो आपको तैयारी कराई जाती है एग्ज़ाम्स की पसंद आती है, तो आप उसके लिए हमारे मतलब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, और learn24academy@gmail.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए, बाय।